नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुनील केदार, कंचन गडकरी और सारंग गडकरी पहुंचे धापेवाड़ा। इस यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मीडिया नियामक नियमों में डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी। जल्द विधेयक लाएगा केंद्र। और अकोला रेस्क्यू टीम ने एक गर्भवती महिला को लाया तट पर। नदी में बाढ़ आने के कारण रेस्क्यू टीम ने की सहायता। अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले के धापेवाड़ा में स्वयंभू विठल रुक्मिणी मंदिर, जिसे विदर्भ के पंढरपुर के नाम से जाना जाता है, जहां तीसरे दिन यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये यात्रा धापेवाड़ा के प्रतिपदा में आयोजित की जाती है। पूर्व मंत्री सुनील केदार, कंचन गडकरी, सारंग गडकरी आज सुबह महापूजा कर विठल रखुमाई पहुंचे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रतिवर्ष विदर्भ और मध्य प्रदेश के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए धापेवाड़ा आते हैं। संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में ये बात कही गई है। विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा सचिवालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि ये एक महज प्रक्रिया है और हर सत्र से पहले इसे जारी किया जाता है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार ऐसे दिशा निर्देश हर सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। पिछले साल 3 अगस्त 2021 को भी संसद परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। राज्यसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में कहा है कि संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता। विपक्षी दलों के द्वारा इस कदम की आलोचना के बाद अधिकारियों ने सफाई दी कि सत्र के पहले इस तरह के बुलेटिन जारी किया जाना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। लोकसभा सचिवालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि ये एक महज प्रक्रिया है और हर सत्र से पहले इसे जारी किया जाता है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि ऐसे दिशा निर्देश हर सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। पिछले साल 3 अगस्त 2021 को भी संसद परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अभी लोकसभा से कोई नया बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और इस तरह का बुलेटिन जारी करने की प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। राज्यसभा सचिवालय ने भी कहा है कि इस तरह का बुलेटिन या परिपत्र संसद के प्रत्येक सत्र से पहले आमतौर पर जारी किया जाता है। राज्यसभा सचिवालय ने वर्ष 2013 में कांग्रेस नेत यूपीए सरकार के समय जारी ऐसे ही परिपत्र की प्रति साझा करते हुए कहा कि ऐसे परिपत्र कई वर्षों से जारी किए जा रहे हैं। मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है, सदस्य संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं कर सकते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का नागपुर हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। उन्होंने इस वक्त मीडिया से बात करते हुए कहा कि संसद में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा स्पीकर ने कहा है। हम देखेंगे कि सही आदेश क्या है, अंतिम स्थिति क्या है और फिर तय करेंगे, तो ये राज्य सरकार का मामला, ऐसा भी शरद पवार ने इस वक्त कहा। स्पीकर साहब से स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसी पाबंदी वहाँ नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। अभी कल हम बैठेंगे दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के नेता और क्या फाइनल स्थिति क्या है, ऑर्डर क्या है, वो देखेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे। बनाइए, मगर स्पीकर साहब ने कहा कि ये इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम इस पर अमल नहीं करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट उनका आज अखबार में, तो ठीक है, देखेंगे कल सच क्या है। केंद्र सरकार समाचार पत्रों के लिए नई पंजीकरण व्यवस्था के लिए बिल तैयार कर रही है, जिसमें डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग भी शामिल होगा। अभी ये केंद्र के पंजीकरण ढांचे में शामिल नहीं है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट सामने आई है। ऐसा हुआ तो डिजिटल मीडिया उद्योग को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही कैबिनेट के समक्ष बदलाव के साथ प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2019 का प्रस्ताव रखेगी। नया विधेयक औपनिवेशक युग के प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह लेगा, जो वर्तमान में भारत में समाचार पत्र और प्रिंटिंग प्रेस उद्योग को नियंत्रित करता है। विधेयक में डिजिटल समाचार पोर्टलों को समाचार पत्रों के बराबर लाने का प्रस्ताव है। न्यूज पोर्टल को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ कई इकाई को पंजीकृत करने के लिए कहा जाएगा। फिलहाल डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। 2019 में केंद्र ने प्रेस और आवधिक विधेयक के पंजीकरण का मसौदा तैयार किया था, जिसमें डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है और इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल है। इसे लेकर तब बहस छिड़ गई थी। कई लोगों ने आरोप लगाया था कि ये डिजिटल समाचार मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास है। हाकिमपेट सिकंदराबाद में IAF स्टेशन को 14 जुलाई 2022 को सुबह लगभग 10:30 बजे तेलंगाना सरकार से एक पानी की टंकी पर फंसे दो व्यक्तियों के बचाव के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। एक घंटे से भी कम समय में चेतक हेलीकॉप्टर ने मंचेरियल के पास प्रभावित क्षेत्र की ओर रुख किया। तेलंगाना सरकार से एक पानी की टंकी पर फंसे दो व्यक्तियों के बचाव के लिए बचाव अभियान चलाया गया। स्थान पर पहुंचने पर पायलटों ने स्थिति का आकलन किया और दो व्यक्तियों को बचाने के लिए विंचिंग ऑपरेशन चलाया, जिन्हें बाद में पास के एक हेलीपैड पर ले जाया गया। विंचिंग ऑपरेशन के लिए क्षेत्र पर एक बिल्कुल स्थिर होवर बनाए रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर के पायलट की आवश्यकता होती है। इसके लिए अत्यधिक मात्रा में कौशल और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ये कार्य पानी पर और अधिक कठिन है, क्योंकि पायलटों के पास स्थिर बनाए रखने के लिए पर्याप्त दृश्य संदर्भ नहीं है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। समतानगर नारी क्षेत्र में नवनिर्माण सेना द्वारा प्रेत यात्रा निकाली गई। इस क्षेत्र में मानसून के दौरान नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए नगर निगम और क्षेत्र के नगर सेवकों के खिलाफ ये यात्रा निकाली गई। आज 15 जुलाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नागपुर सुधार प्रणय नगर निगम और क्षेत्र के नगर सेवकों के खिलाफ वार्ड नंबर 2 समतानगर नारी क्षेत्र में प्रेत यात्रा निकाली और अपना गुस्सा व्यक्त किया। ये प्रेत यात्रा उत्तर नागपुर के उपाध्यक्ष श्याम रहांगडाले के नेतृत्व में निकाली गई थी और क्षेत्र के नागरिक इस प्रेत यात्रा में बड़ी संख्या में मौजूद थे।
इस क्षेत्र में मानसून के दौरान नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। न सड़क है, न गटर लाइन है, न पीने का पानी की व्यवस्था है, और यदि कोई मरीज मानसून के दौरान अस्पताल जाना चाहता है तो क्षेत्र में वाहनों की व्यवस्था नहीं है, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सर से हम लोग परेशान हो गए, उस वजह से हमारे को ये एनआईटी का मुर्दा निकालना पड़ा। प्रभाग क्रमांक 2 समता नगर राजाबोध नगर में कम से कम ये अभी 8 दिन से ऐसी रोड पे पानी पूरा बह रहा हुआ है। आने के लिए तकलीफ है, सबकी गाड़ियाँ अपने अपने घर में फंसी हुई है, कोई काम पे नहीं जा सकता। बुजुर्ग महिला की यदि स्वास्थ्य खराब है तो उनको दवाखाना यदि जाना है तो वो नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़ यह है कि कोई गर्भवती महिला है तो उनको कैसे ले जाया जाए, एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे। यदि कोई उठा के भी ले जाए तो गर्भवती महिला को कैसे कंधे पे उठा के ले जाया जाए। प्रशासन पूरा सोया हुआ है और प्रशासन बिका हुआ है। एनआईटी के जितने भी पदाधिकारी है सब बिके हुए हैं। बीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। अकोला जिले के मुर्तिजापुर तालुका के पोही से रेस्क्यू टीम ने एक गर्भवती महिला को तट पर लाया। तपकली नदी में बाढ़ आने के कारण दोनों मार्गों पर पुल से 5 फीट पानी भर गया था, जिससे पहुंचना संभव नहीं हो सका, इसलिए रेस्क्यू टीम ने महिला की सहायता की। अकोला जिले के मुर्तिजापुर तालुका के पोही गांव में एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाना था। हालांकि पोही से माणा रोड पर पोही गांव से मुर्तिजापुर और उमा नदी एक हिवारा कोडे रोड पर तपकली नदी में बाढ़ आने के कारण दोनों मार्गों पर पुल से 5 फीट पानी भर जाने के कारण पहुंचना संभव नहीं हो सका। दीपक सदाफले और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मैनेजमेंट फाउंडेशन के संत गाड़गे बाबा इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड के सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर अकोला के जिला महिला अस्पताल पहुंचाया। ग्राम पोही तालुका मुर्तिजापुर जिला अकोला येथे दोन्ही नदीला पूर आल्यामुळे आमच्या गावामध्ये अतिशय महिलेला प्रसूतीच्या वेदना होत होत्या, तेव्हा आम्ही माननीय मोहिते साहेब यांच्याशी संपर्क साधला। मोहिते साहेबांनी आम्हाला तुरंत दीपक सदापडे साहेबांचा नंबर दिला आणि आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला। त्यांच्याशी संपर्क साधल्याबरोबर ते आमच्या पोहीला संत गाडगे बाबा आपत्कालीन शोध व बचाव पथक पिंजर तालुका बार्शीराखडी जिल्हा अकोला यांनी संपर्क साधल्याबरोबर 25 मिनिटांमध्ये ग्राम पोही येथे हजेरी देऊन महिलेला रेस्क्यू करून आमच्या नदीच्या अलीकडे काढून संबंधित ॲम्ब्युलन्समध्ये आणून 108 आणि त्यांच्या रेस्क्यू टीमचे मी खूप खूप आभार मानतो। अकोल्याचे RDC संजय खडसे सर यांनी फोनवरून रात्री माहिती दिली की पोही गावामध्ये 25 वर्षीय महिला गर्भवती आहे आणि तिला मुर्तिजापूर येथे तात्काळ आणणे गरजेचे आहे, परंतु पोही ते हिवरा कोरडे गाव आणि पोही ते माना या दोन्ही मार्गावरील नदीच्या पुरामुळे पुरावर पाणी आणि ते मार्ग बंद आहेत, तरी आपण तात्काळ रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी रवाना होऊन जा। तर या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या आदेश सरांच्या आदेशाने मानवसेवा आपत्ती व्यवस्थापन फाउंडेशनच्या संत गाडगेबाबा आपत्कालीन शोध बचाव पथक पिंजर आणि तालुका बार्शीराखडी जिल्हा अकोला रेस्क्यू वाहन शोध बचाव साहित्याने आमचे सहकारी घेऊन आम्ही अवघ्या 25 मिनिटात या घटनास्थळी पोहोचलो। इथं पाहिले असता नदीवर पुलावर 3 फूट पाणी आणि पाण्याचा फ्लो जास्त असल्यामुळे आम्ही स्विमिंग करत पलीकडल्या काठावर गेलो आणि त्या ठिकाणी त्या महिलेला खाटेवरती बॅकअप केले आणि मानवी साखळी तयार करून टोरिंग साखळी तयार करून वायर रोप लाईफ रिंग आणि लाईफ जॅकेटच्या साह्याने त्यांना सुखरूप आणले आणि 108 मध्ये पुढील उपचारासाठी मुर्तिजापूरला रवाना केले। या घटनेसाठी अभयसिंह मोहिते सर उपविभागीय अधिकारी मुर्तिजापूर, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबळेसाहेब आणि पोईचे सरपंच किशोरभाऊ नाईक हे सुद्धा वरच्यावर आमच्या संपर्कामध्ये होते। एकूण एका तासाच्या अथक प्रयत्नाने आणि जिद्दीने कसोशीने आम्ही त्या महिलेला सुरक्षितपणे बाहेर काढलं। या ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबळेसाहेब यांचं सुद्धा सहकार्य लाभलं। धन्यवाद जीवरक्षक दीपक सदापळे पिंज। नागपूर में 7 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ स्थिति निर्माण होती है। नागपुर के कामगार नगर, कपिल नगर, दीपक नगर, पोस्ट उपलवाड़ी, समता नगर, दीक्षित नगर, काशीनगर, तेगिया कॉलोनी, ऐसे कई और इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और रास्तों पर भी पानी भरने से लोगों को आने जाने में कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। गोंदिया के श्रीनगर वार्ड में प्रति वर्ष अनुसार महाकाली का कर्म विधान सेवा आश्रम में श्री सिद्ध गुरुदेव 108 पीर महंत योगी बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद से महंत योगी रामनाथ इनका मंदिर में विविध पूजा तथा सत्कार भक्तों ने किया। तत्पश्चात महाप्रसाद वितरण किया गया।
मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से अनेक सेवाधारी उपस्थित थे। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।